लुईस सायर की मुलाकात एक अन्य शक्तिशाली पुरुष से होती है जिसका नाम डिनी था। यह जो डिनी नाम का व्यक्ति है यह भी शक्तिशाली पुरुष है। इसने लुईस सायर को अपने घर इनवाइट किया था और वहां पर डिनी ने एक भारी पत्थर दिखाया था जिसको वह कह रहे थे कि पहले मैं इस पत्थर को उठाकर दिखाऊंगा और उसके बाद तुम इस पत्थर को उठाकर दिखाना। लुईस सायर ने बोला ठीक है, मैं इस भारी पत्थर को उठाकर दिखाऊंगा। डिनी ने उस पत्थर को उठाया क्योंकि डिनी का तो वह घर था और वह उस पत्थर को उठाने का अभ्यास करते थे, लेकिन लुईस सायर ने भी बड़ी ही आसानी से उस भारी पत्थर को डिनी के आंखों के सामने उठाकर दिखाया था और उन्होंने उस पत्थर को अपने कंधे पर रखने के साथ कुछ दूरी तय भी करी थी। इस पर डिनी ने उनकी बहुत प्रशंसा करी थी और वह लुईस सायर से ऐसा कह रहे थे कि अन्य व्यक्ति की तुलना में तुम में सबसे ज़्यादा बल है, तुम अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हो। एक बार की बात है कि लुईस सायर एक स्टेज पर अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे थे और उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखने के लिए चार्ल्स वेंसी स्टार्ट नाम का एक शक्तिशाली पुरुष आया था। यह लुईस सायर की तरह विशाल नहीं था लेकिन यह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष था। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चार्ल्स वेंसी स्टार्ट ने लुईस सायर का शक्तिशाली बल प्रदर्शन देखा था कि वह कितनी सरलता से भारी डंबल को जमीन से उठाते हैं और उसको एक ही झटके में कंधे पर रख लेते हैं और उसको भरपूर ताकत लगाकर बड़ी ही आसानी से सिर की ऊंचाई तक उठा देते हैं। यहाँ पर चार्ल्स वेंसी स्टार्ट समझ गए थे कि लुईस सायर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है और उन्होंने लुईस सायर की प्रशंसा भी करी थी। चार्ल्स वेंसी स्टार्ट वह शक्तिशाली पुरुष है जिसको लोहे के हाथ वाला व्यक्ति माना जाता है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी भुजाओं की ताकत अद्भुत है और उसकी भुजाओं की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वह साइक्लोप्स जो अपने हाथों से सिक्के तोड़ता है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसको आयरन ग्रिप वाला व्यक्ति कहा जाता है। यह जो चार्ल्स वेंसी स्टार्ट नाम का व्यक्ति है यह शक्तिशाली पुरुष है और इसकी जो ताकत है वह हाथों में निहित है, वह हाथों से शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है। चार्ल्स की जो ताकत है वह अपने हाथों से कौन कौन से शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है वह मैं आपको बताता हूँ। पहला कि वह अपने हाथों से ही कॉइन को तोड़ देता था, जैसे साइक्लोप्स और मार्क्स जो थे वह अपने हाथों की ताकत से ही कॉइन को तोड़ दिया करते थे, उसी तरह से चार्ल्स वेंसी स्टार्ट भी कॉइन को बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया करते थे। उनकी हाथों में इतनी ताकत थी कि वह जो विस्की की जो बोतल होती है उसको अपने बाइसेप्स के बीच में रखते थे और बाइसेप्स जब फ्लेक्स करते थे तो फिर जो कांच की बोतल होती थी वह बड़ी ही आसानी से टूट जाती थी। वह इस तरह का शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाते थे। उनका तीसरा शक्तिशाली बल प्रदर्शन सच में अद्भुत था, जिसमें वह टेनिस की बॉल को, जो टेनिस का जो खेल होता है उसमें प्रयोग होने वाली जो बॉल होती है वह कितनी कठोर होती है, लेकिन उस बॉल को चार्ल्स वेंसी स्टार्ट अपनी उंगलियों की ताकत से ही उस बॉल को तोड़ दिया करते थे, बीच में से फाड़ दिया करते थे। एक बार की बात है कि साइक्लोप्स जो था वह एक भीड़ में अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन को दिखा रहा था और वह ऐसी घोषणा कर रहा था कि मैं यहाँ पर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हूँ और कोई भी मेरे कर्तव्यों की नकल नहीं कर सकता है। लेकिन उसी भीड़ में चार्ल्स वेंसी स्टार्ट खड़े हुए थे और वह आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा कि तुम जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते हो मैं उसकी नकल करके दिखाऊंगा। तो साइक्लोप्स खुश हुआ और वह कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। पहले तो साइक्लोप्स ने सिक्के को निकाला और उसको बड़ी ही आसानी से तोड़ के दिखा दिया, जिसको लोग देखकर उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। चार्ल्स वेंसी स्टार्ट की बारी आई, उन्होंने भी बड़ी ही आसानी से साइक्लोप्स के जो सिक्के थे उसको तोड़ कर दिखा दिया। अब चार्ल्स वेंसी स्टार्ट की बारी थी कि वह ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करें जिसमें साइक्लोप्स की हार हो जाए। तो चार्ल्स वेंसी स्टार्ट ने एक टेनिस की बॉल निकाली, टेनिस में प्रयोग होने वाली जो बॉल होती है उसको निकाला और साइक्लोप्स के हाथ में थमाया और साइक्लोप्स से बोला कि तुम इस बॉल को अपनी भुजाओं की ताकत से ही
फाड़ कर दिखाओ। साइक्लोप्स पहले तो खुश हुआ, वह सोचने लगा कि मैं इसको बड़ी ही आसानी से फाड़ डालूंगा। साइक्लोप्स ने पूरा प्रयास करा उस गेंद को फाड़ने का, लेकिन जो गेंद थी वह बिल्कुल ही नहीं फटी। साइक्लोप्स की ताकत कम रह गई। वह सिक्कों को तो तोड़ सकता था, लेकिन टेनिस की बॉल को बीच में से फाड़ना सच में कठिन था। वह बार बार अपनी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी लग ही नहीं पा रही थी कि वह उस बॉल को बड़ी ही आसानी से फाड़ दे। उसकी जो दोनों भुजाएं थीं, उसकी जो मसल्स थी वह एकदम पंप होने लगी, उसकी जो नसें थी वह भी बाहर आने लगी, लेकिन फिर भी जो गेंद थी वह फट ही नहीं पा रही थी। जो साइक्लोप्स के जो प्रशंसक थे वह यह दृश्य देखकर चुप हो गए, और उसके बाद वह जो बॉल थी वह चार्ल्स नेंसिस स्टार्ट को दोबारा से थमा दी। साइक्लोप्स ने बोला कि अब तुम इस बॉल को फाड़ के दिखाओ। वेंसी स्टार्ट ने कहा, ठीक है, मैं इस बॉल को फाड़ कर दिखाता हूँ। और वेंसी स्टार्ट ने अपनी पांचों उंगलियों के बीच में उस बॉल को रखा और ताकत लगाने लगे, और जैसे ही वह उसको फाड़ने के लिए ताकत लगाने लगे, चार्ल्स वेंसी स्टार्ट की जो हाथों की नसें थी वह पूरी तरह से उभर कर आ गई, क्योंकि वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे थे उस बॉल को फाड़ने के लिए। उनकी जो दोनों जो बाइसेप थी, फोरआर्म्स थे, वह पूरी तरह से पंप हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर हमको बल लगाकर उस गेंद को फाड़ना होता है। और अंत में आकर चार्ल्स वेंसी स्टार्ट ने उस गेंद को बीच में से फाड़ कर रख दिया। तो इतने शक्तिशाली भुजाएं थी चार्ल्स वेंसी स्टार्ट की कि वह टेनिस की बॉल को भी बड़ी ही आसानी से फाड़ कर रख देते थे। तो इस तरह से वहाँ पर साइक्लोप्स की हार हुई थी और चार्ल्स वेंसी स्टार्ट जीत गए थे। चार्ल्स वेंसी स्टार्ट की हाथों की ताकत इतनी अधिक थी कि वह एक ही बार में ताश की तीन गड्डी को फाड़ दिया करते थे। ताश की तीन गड्डी को फाड़ना सच में कितना कठिन है। तीन गड्डियों का परिमाप बहुत ज़्यादा होता है, और उसको हाथ में पकड़े रखना और इतनी ताकत लगाना कि वह टूट जाए, यह करना सच में कठिन होता है। और तो और चार्ल्स जो थे वह घोड़े की जो नाल होती है उसको बड़ी ही आसानी से तोड़ मरोड़ दिया करते थे, और तो और वह और भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते थे। तो इस तरह से जो चार्ल्स वेंसी स्टार्ट थे उन्होंने लुईस सायर की भी प्रशंसा करी थी कि वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं। लुईस सायर की कमजोरी थी, वह कमजोरी थी भोजन। वह भोजन के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते थे। होटल में जब वह भोजन करने के लिए जाते थे तो फिर वहाँ पर जब वह ऑर्डर देते थे तो फिर वेटर का जो चेहरा होता था वह उस समय देखने लायक था, और लुईस सायर वेटर के उस चेहरे को देखकर बड़ा प्रसन्न होते थे, क्योंकि वेटर को जब वह अपने भोजन की लिस्ट गिनवाते थे, भोजन की लिस्ट बनवाते थे, तो वेटर सच में चौंक जाता था कि वह एक पुरुष जो है वह कितना अधिक भोजन खा सकता है। वह एक बार में 6 पाउंड मीट को खा लिया करते थे। लुईस सायर जो थे वह एक बार में 6 पाउंड मांस को बड़ी ही आसानी से खा लिया करते थे, क्योंकि वह भोजन के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। मैंने आपको प्रोफेसर डेसबोनेट के बारे में बताया है कि वह ऐसा सोचता था कि लुईस सायर जो है वह कम शक्तिशाली पुरुष है, और जो अपोलो नाम का जो पुरुष है वह लुईस सायर से भी ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष है, क्योंकि डेसबोनेट ने अपने मन में ऐसी छवि बना रखी है कि लुईस सायर कम शक्तिशाली है और अपोलोन नाम का जो पुरुष है वह ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन जब प्रोफेसर डेसबोनेट ने अपनी आंखों से लुईस सायर को देखा था तो फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि लुईस सायर का जो शरीर था वह अद्भुत था। उनकी भुजाओं की ताकत अद्भुत थी, उनका जो छाती का परिमाप था वह बहुत ही ज़्यादा था, उनकी जांघें जो थी वह बहुत ही विशाल थी, उनकी जो काफ थी वह बहुत ही शक्तिशाली थी। प्रोफेसर डेसबोनेट को लुईस सायर की जांघों को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह इतनी बड़ी भी हो सकती हैं। प्रोफेसर डेसबोनेट ने अपनी पुस्तक ली रॉयस डी फोर्स यानी कि शक्ति का राजा में लुईस सायर को और अपोलोन को सुपरमैन का नाम दिया था, क्योंकि अब वह समझ गए थे कि लुईस सायर बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है। उन्होंने अपनी आंखों से लुईस सायर के शरीर को देख लिया था, और ताकत के बारे में तो वह जानते ही थे। डेसबोनेट तो ऐसा कह रहे थे कि लुईस सायर का शरीर इतना शक्तिशाली है मानो उसमें इस्पात भरा हुआ हो, यानी कि धातु का बना हुआ यह शरीर है। इस तरह से लुईस सायर का जो जीवन चरित्र है
मैंने आपको यहाँ बताया है।